सातवां सवाल है, यानी सात आठ और नौ तीन करेंगे प्रश्न। अब देखिए रामू की आयु, रामू की आयु 37 वर्ष है, 37 वर्ष ठीक है ना। उसके पुत्र की आयु के त्रिगुणे से चार से अधिक है, उसके पुत्र की आयु के त्रिगुणे से चार वर्ष अधिक है ठीक है। अब देखिए बेटा ये आपको सवाल दो तरह से हो सकता है, ये देखो आयु में दे दिया, या आपको ये दे दे कि एक संख्या अपने त्रिगुणे से चार अधिक है और उसका योग 37 है तो वह संख्या बताओ। दो तरह से सवाल हो सकता है, ये तो आयु में दे दिया कि रामू की आयु 37 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु के त्रिगुणे से चार वर्ष अधिक है, दे दी ना। अब अपने पास पुत्र की आयु है नहीं, पुत्र की आयु तो अपन लिखेंगे माना रामू के पुत्र की आयु एक्स वर्ष है, एक्स ठीक है, वो क्या कहता है उसका त्रिगुणा, क्या पुत्र की आयु का त्रिगुणा, पुत्र की आयु का त्रिगुणा कितना हो जाएगा, तीन एक्स का त्रिगुणा 3x हो गया ना, हो गया ना है? आयु का त्रिगुणा कर रहे हैं ना, उसकी आयु कितनी मानी थी एक्स, त्रिगुणा कर दो 3x हो गया। त्रिगुण से चार वर्ष ज्यादा है, त्रिगुण से चार वर्ष है तो अपनी क्या करें 3x प्लस 4 कर दें। अब बता करके किसके बराबर हो जाएगी 37 के, किसके बराबर हो जाएगी, यानी त्रिगुणों को मैं 4 जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगी 37 की, हो गई या पक्षांतरण है x बराबर 37 ये यहां किसके हैं प्लस के चार है, आगे जाते किसके हो गए माइनस के चार, 3x बराबर कितने आगे बढ़ा 33 या x बराबर 33 बटा में 3, एक तीयो तीयो 11 दिया 33 कितनी आगे बढ़ा 11, पुत्र की आयु कितने साल आगे बढ़ा 11 कितनी आगे। अब देखो 11 दिया 33, 33 अचार कितना है 37 होगी नहीं होगी, मिला सकते हैं ना इसको उत्तर, देखो 3x प्लस 4 बराबर 37 देना तो 3 गुणा x का मान कितना है 11 प्लस 4 बराबर 37, 11 दिया 33 प्लस 4 ये 37, 33 अचार 37 बराबर है, आया नहीं आया, आ गया ना, कर सकते हो ना ये है। अब देखो सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 नंबर सवाल क्या कहता है कि यीशु के पिता की आयु यीशु की आयु के त्रिगुण से 5 वर्ष अधिक है, यीशु की आयु ज्ञात कीजिए, यदि पिता की आयु 44 वर्ष है, यीशु के पिता की आयु, यीशु के पिता की आयु 44 वर्ष है ठीक है ना, हो गया। अब क्या है वो यीशु की आयु के त्रिगुणे से 5 वर्ष ज्यादा है, यीशु की आयु के त्रिगुणे से 5 वर्ष ज्यादा है, ज्यादा है नहीं जोड़ना है, ज्यादा है नहीं जोड़ना, माना यीशु की आयु, माना यीशु की आयु एक्स वर्ष है ठीक है ना, उसका बड़ा त्रिगुणा कितना होता है, है यीशु की आयु का त्रिगुणा कितना हो जाएगा 3x कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना, त्रिगुणा करना है अपने को, ये क्या कहता है कि त्रिगुणे से
पांच वर्ष था, तिगुना से पांच वर्ष है, पहले तिगुना कर दिया आयु का, इसमें पांच जोड़ दो, ज्यादा जोड़ दो, कम होते तो घटा दो, कम हो तो और ज्यादा हो तो अपने क्या करें, तीन एक्स प्लस पांच बराबर कितने कर दो बेटा 44 कर दिया ना, समीकरण बन गई ना अपनी। अब क्या करें, पक्षांतरण है, तीन एक्स बराबर ये हो गए 44, ये पांच प्लस के थे ना, आगे जाएंगे किसके हो गए माइनस के, तीन एक्स या कितने हो गए 39, एक्स बराबर 39 बटा 3, 13 दिया 39, 13 दिया। अब देखो ईसु की आयु मानी थी ना अपने, ईसु की आयु कितनी आ गई बेटा 13 वर्ष, कितनी आ गई, पिता की कितनी होगी देखो, समीकरण मिलाओ दोबारा, ये 44 तीन गुणा एक्स का मान कितना आया 13, प्लस कितना है 5 बराबर कितना है 44, 13 दिया 39 प्लस 5 बराबर 44, 39 और 5 44 बराबर है 44, आपने उत्तर सही है कि नहीं है, दोनों साइड में आ गया ना, तो ईसु की आयु कितनी आ गई बेटा 13, कितनी आ गई 13 आ गई ना। अब आगे चलते हैं अपने, रियाज एक संख्या के बारे में इस प्रकार सोचता है कि उसका ढाई गुणा करके 7 घटा दे, एक संख्या का, एक संख्या का ढाई गुणा करके 7 घटा दे, तो कितने हो जाते हैं 23, तो 23 प्राप्त होते हैं, 23 है प्राप्त है होते, ठीक है, ढाई गुणा किया ना अपने, कितना किया ढाई गुणा, कितना, अब देखो अपने माना वह संख्या, माना वह संख्या x कितनी है, उसका 2 सही 1/2 गुणा, 2 से 1/2 गुणा, इसको सही बटा मान लो, 2 दूनी 4 एक 5, 5/2 एक्स है, 5/2 कर दिया। अब उसे ढाई गुणे में से, कितना घटा रहा है, कितने में से ढाई गुणा कितना है 5/2 एक्स है ना, इसमें से कितना घटाता है, कितने प्राप्त होते हैं 23, बराबर 23 कर दो, प्राप्त होने वाले बराबर में होते हैं, प्राप्त होने वाले। अब पक्षांतरण है, 5x/2 बराबर 23, ये आगे जाके किसका हो गया बेटा प्लस का हो गया, या माइनस करना आगे जाके किसका हो गया 5x/2 बराबर 23, आप कितने हो गए 30, बटा में कितना कर दूं, वज्र गुणा करने पर 5x को 1 से करेंगे तो 5x यहाँ या कितने जाना, ठीक है, 5x और 30 गुणा 7, x बराबर 60/5, 1 5 12 50 60, x का मान कितना है बेटा 12, कितना हो गया 12, में से कितने 12 का ढाई गुणा, 12 12 24, 24 और 6 कितने होते 30, 30 में से 7 घटाते हैं 23 में आते क्या, आते ना, कर लोगे